नहीं थोड़ी सी हैं चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ काफ़ी इस साल आबादी ज़्यादा हुई है बारिशों की वजह से, तो ट्रैक थोड़ा डिविएट हुआ है। मैं समझता हूँ 3-4% अब, अदरवाइज ट्रैक वही है, पर ट्रैक छोटा हो गया है कंपैरेटिवली, साइज जो है वो बारिशों की वजह से, उसमें थोड़ा प्रिसाइज ड्राइविंग करनी पड़ेगी, एरर अगर आप करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। बेहतर भी है क्योंकि इस दफ़ा ओवरटेकिंग का बड़ा प्रॉब्लम होएगा अगर आप फंस जाते हैं पीछे, पर फर्स्ट नंबर पे जाने पे और कोई प्रॉब्लम नहीं, माल का प्रॉब्लम होता है या लोग होते हैं ट्रैक के ऊपर, जब एक दफा पहली गाड़ी चली जाती है तो फिर उनको पता चल जाता है कि भाई रेस ऑन है, तो इसका फायदा भी है थोड़ा नुकसान भी होता है। भाई कॉन्सेंट्रेशन से अलावा और कुछ है ही नहीं, आप इधर उधर अगर सोचेंगे या कोई और चीज़ों पर जहन आपका जाएगा तो नुकसान में चले जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, जाहिर है गाड़ी भी आपको उस हिसाब से बनानी जिस हिसाब से आप चलाएंगे, और आपका नेविगेटर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। देखें जी मुल्क के हालात कभी ठीक होते हैं कभी ख़राब हो जाते हैं, तो ये बाहर के लोग, अभी भी दो लोग आए इंग्लैंड से, हमारी तो कोशिश ये है कि इंटरनेशनल रेसर्स आएँ, ये खेल और जड़ पकड़े, और दुनिया वैसे भी देखती है, जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ के बाहर गए हैं वो सब, उनको सबको मालूम है और वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो बताते हैं लोगों को, पर ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल रेसर्स खुद आएँ तो बेहतर होएगा। नहीं नहीं रेकी कंट्रोल नहीं है, मार्किंग भी थोड़ी देर से हुई है पर हो गई है, अब ट्रैक तो जाहिर है हर किसी को पता है ट्रैक का, कल के बिल्कुल सही अरेंजमेंट से कोई मसला नहीं है, बस खाली यही है कोशिश हमारी कि कुछ जगहों पे जिधर ज़मीनें हैं, मैं यही कहूँगा लोगों को खासतौर ड्राइवर्स को कि फसल को थोड़ा बचाएं, और उसके अलावा उन लोगों से भी अपील करूँगा, अर्ज़ करूँगा जिनकी ज़मीनें कि ऐन वक्त पे पानी वानी नहीं छोड़ दें, क्या हमें, हमने देखा हुआ है कि भाई ट्रैक सही है और फिर स्पीड पे आते हैं और नुकसान नहीं हो जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है।